वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अपडेट बाय CHO पे। दोस्तों कैसे हो सभी आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों ये जो रैपिड रिवीजन की सीरीज है ये आपको बहुत पसंद भी आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस रैपिड रिवीजन की सीरीज से आपका न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से विद क्वेश्चन। ये जो मैं करवा रहा हूँ सबके सब क्वेश्चन ही हैं दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट। अगर आपने गलती कर दी इस सब्जेक्ट को छोड़ने की दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने न्यूट्रिशन को छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन इज़ मस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप सभी का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, रैपिड रिवीजन सीरीज़ फर्स्ट पे रेस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आया बच्चों का, अगर दोस्तों आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो मुझे मुझे कोई नुकसान नहीं है। मुझे तो क्या है, इसको बंद कर दूंगा मैं, और मुझे क्या नुकसान है, मुझे तो फ़ायदा ही है। मैं इसको बंद कर दूंगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत भी किसके लिए करूँ जब बच्चे रेस्पॉन्स ही नहीं दिखा रहे, तो मेहनत करने का भी क्या फ़ायदा है दोस्तों। दोस्तों मैं सीधी बात बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं बच्चों की ज़रूरत है जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं। मैं उन्हीं के लिए ये क्लासे जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो भी बहुत ही शानदार शानदार कंटेंट के साथ। तो दोस्तों सभी साथी सुबह 7:30 बजे लाइव ज़रूर आया करें। जो लाइव आएगा उसका सिलेक्शन श्योर होगा, क्योंकि वही बच्चा है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, वही सुबह उठकर क्लास ले सकता है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। आज है रैपिड रिवीजन की सीरीज़ का सेकंड सीरीज़, सेकंड क्लास है दोस्तों। सब्जेक्ट न्यूट्रिशन रहेगा। न्यूट्रिशन को इतने अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा कि दोस्तों आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी, बिल्कुल एग्जाम में भी सेम की सेम डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलो आज का सेशन है वो शुरू कर लेते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। उससे पहले मेरा निवेदन है, वीडियो को सब लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, थैंक यू। देखते हैं अब अपन आज का सेशन। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। और दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, उसके बाद ही सेशन को शुरू करें। चलो देखते हैं कितना शानदार कंटेंट यहाँ से लेकर निकलते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताएं दोस्तों कि जो प्रोटीन एंड प्रोटीन जो होती है वो मैक्सिमम किस में देखने को मिलती है? प्रोटीन, प्रोटीन एनर्जी मैक्सिमम किस में होती है? मैक्सिमम किस में होती है दोस्तों, बताएं दोस्तों मैक्सिमम प्रोटीन एनर्जी किस में देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस में, अगर ऑप्शन में आपको फिश दिख रहा हो तो इसका राइट आंसर फिश लगा देना, अगर ऑप्शन में एग दिख रहा है, एग दिख रहा है तो इसका राइट आंसर एग लगा देना। अगर ऑप्शन में दोनों ही दिख रहे हैं तो दोस्तों पहली चॉइस फिश को जाएगी, ये ध्यान रखना। फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है, और इनमें से दोनों में कोई एक एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कल क्वेश्चन पढ़ा था एक, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। प्लेग्रा, प्लेग्रा कौन से विटामिन विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है बताओ? प्लेग्रा जो है, प्लेग्रा जो है वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? बताओ दोस्तों, देखते हैं ये कल का क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार करवा रहा हूँ। प्लेग्रा कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है बताओ जल्दी, देखते हैं किसको याद है। तो ये होता है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से। अच्छा बता दो विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासीन। और आपके लिए होमवर्क क्या है कि इसके अंदर 4D साइन पाया जाता है, तो आप 4D का पूरा कौन कौन से डी होते हैं कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं लाइव कमेंट बॉक्स में नहीं दोस्तों,
जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसको लिख दो कि 4D क्या क्या होते हैं। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन है जिसका राइट आंसर आता है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपका रेस्पॉन्स शानदार रहा दोस्तों तो 10 तक ही नहीं, मैं इस सेशन को और भी लंबा ले सकता हूँ अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो। पहली वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं था इसलिए आज सिर्फ 10 ही क्वेश्चन होंगे। जिस दिन वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा होगा सबसे ज़्यादा वॉचिंग आएगी वीडियो की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देखेंगे उस दिन, उससे अगले वाले दिन जो न्यूट्रिशन की क्लास आएगी वो अलग ही और अलग ही लेवल की क्लास होगी, शानदार और धमाकेदार लेवल की क्लास होगी वो। तो बताएं दोस्तों कि रिजर्व फूड जो है वो एनर्जी को किस रूप में स्टोर करता है। रिजर्व फूड ऑफ एनर्जी किसके रूप में स्टोर करता है, बताओ दोस्तों किसके रूप में स्टोर करता है। तो वो करता है किस रूप में, बताओ कौन बताएगा, मैं देखता हूँ राइट आंसर इसका। रिजर्व फूड जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर बताएं दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो बताओ दोस्तों कि जो माल्टोज होता है, माल्टोज वो किस किस से मिलकर बना होता है। माल्टोज इसके अलावा लैक्टोज, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में, लैक्टोज इसके बाद सुक्रोज, माल्टोज सुक्रोज, बताओ दोस्तों किस किस से मिलकर बने होते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी इनके राइट आंसर पुट कर दो, बेहतरीन सेशन होगा दोस्तों उस दिन। जिस दिन आपका रिस्पॉन्स शानदार आएगा उस दिन एक लंबी क्लास न्यूट्रिशन पे ली जाएगी, और वादा करता हूँ दोस्तों वो जो क्लास होगी वो आपके ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन क्लास होगी। और उससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन राजस्थान CHO आपसे पूछ ले दोस्तों तो बता देना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा न्यूट्रिशन का, वादा करता हूँ आपसे। बट आपका रेस्पॉन्स भी तो आना चाहिए, आपका रेस्पॉन्स शानदार आएगा तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी आपको कंटेंट मिलेगा दोस्तों। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों तक शेयर करोगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्या आए, व्यूज़ आए, व्यूज़ जितने ज़्यादा कंटेंट उतना अच्छा डिलीवर होगा। क्योंकि दोस्तों लाइक से, व्यूज़ से और जो वाचिंग हावर होते हैं उनसे क्या मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है। क्योंकि दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए ना। आप मेहनत कर रहे हो CHO एग्ज़ाम के लिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो मेहनत किस काम की, कोई काम नहीं आई ना। आपको कितना बुरा लगेगा जब आपने शिद्दत से मेहनत करके एक एग्ज़ाम की तैयारी करी और उस एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से आप रह गए, तो कितना दुख होता है। बस दोस्तों वैसा ही कुछ है, मेहनत कर रहा हूँ शिद्दत से, शानदार कंटेंट दे रहा हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं करवा रहा मेरे चैनल के ऊपर, बेहतरीन कंटेंट है। भरोसा नहीं हो तो एक बार उन बच्चों से पूछ लेना जिन्होंने मेरी हर एक क्लास को अटेंड किया है। अगर कंटेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कंटेंट में कोई कमी हो दोस्तों, तो पढ़ाना ही छोड़ देंगे। बता देना दोस्तों कंटेंट में कोई कमी लगे तो सुधार करेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं जो दे रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। चलो इसका राइट आंसर कौन बताएगा, बातें बहुत हो गई, अब राइट आंसर बताओ जल्दी से इसका। तो माल्टोज क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है, किससे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। एक दिन आपकी मोटिवेशन की क्लास जरूर ली जाएगी, आपको मोटिवेट किया जाएगा, बता देना, डिसाइड कर लेना कब कब करनी है वो क्लास। लैक्टोज बताओ दोस्तों, लैक्टोज
लैक्टोज बताओ दोस्तों, सॉरी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और लैक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, क्या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस क्या गैलेक्टोज? गैलेक्टोज और सुक्रोज क्या होता है दोस्तों? तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। अरे दोस्तों बीच बीच में भाषण इसीलिए देता हूँ, आप सभी का फ़ायदा है उसमें भी, आप सभी के लिए ही तो है दोस्तों, ताकि आप मोटिवेट होते रहो और शानदार स्टडी करो, अपने मार्ग से ना भटक जाओ, इसीलिए बार बार बोलता रहता हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना दोस्तों, आपका ही दोस्त हूँ, गलत राय नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्या विटामिन के जो है, विटामिन के दोस्तों किस प्रकार का विटामिन है? क्वेश्चन ये है कि विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है, टाइप ऑफ विटामिन्स किस प्रकार का? तो ओ फैट सोल्यूबल है या फिर वाटर सोल्यूबल है, बताओ दोस्तों, फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? चलो देख लेते हैं कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं दोस्तों कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो अपना राइट आंसर क्या निकल के आया? अपना राइट आंसर निकल के क्या आया? के कैसा होता है? फैट सोल्यूबल होता है। बिल्कुल राइट आंसर निकल के आया के कैसा? फैट सोल्यूबल। इसके अलावा वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों? तो बी और सी जो है, बी कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों बी और सी क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के चला गया? इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों क्या? फैट है, फैट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि नॉर्मल आरडीए ऑफ विटामिन ए बताओ दोस्तों कितना होता है? नॉर्मल आरडीए की कल फुल फॉर्म बताई थी, याद है क्या किसी को? अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें आरडीए की फुल फॉर्म, नॉर्मल आरडीए फॉर विटामिन ए, विटामिन ए के लिए नॉर्मल आरडीए कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? इसका राइट आंसर होगा 600 mg, कितना? 600 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों इसमें मैं बता दूं आपको, ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितना होता है, प्रेग्नेंट लेडी हो अगर तो उसके लिए कितनी? 800 mg। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 अपना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सात क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट दो क्वेश्चन एक साथ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कब करते हैं और लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो क्या करते हैं, बताओ दोनों का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
नॉर्मल डिलीवरी है तो अपन पहला एज़ सून एज पॉसिबल, एज़ सून एज पॉसिबल, या फिर दूसरी पूछा जाए तो हाफ आवर विद इन विद इन हाफ आवर में। नेक्स्ट अगर एल एस सी एस है दोस्तों तो कब कितना टाइम लेते हैं, तो लेते हैं दोस्तों कितना टाइम, विद इन फोर आवर मैक्सिमम बता रहा हूँ, विद इन फोर आवर। और वैसे रेंज पूछें तो रेंज हो जाएगा 3 से 4 घंटे, 3 to 4 आवर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आठ करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आपने कल सुबह का रैपिड रिवीजन आरआर लिखूंगा, रैपिड रिवीजन सीरीज आरआरएस फर्स्ट क्लास देखी थी क्या, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ देखी थी क्या। अगर आपने देखी है तो मुझे अभी इसी क्लास में फीडबैक दे, उस क्लास का बताओ, उस क्लास का फीडबैक दो मुझे, इस क्लास के अंदर आप कैसी थी। फीडबैक देने के लिए आप लिख सकते हो गुड, वेरी गुड, एवरेज और बैड, बताओ इनमें से क्या थी दोस्तों, बताओ वेरी गुड थी, गुड थी, एवरेज थी, या फिर पुअर बिल्कुल ख़राब क्लास थी, इसका आप मुझे आंसर दे दोस्तों। नेक्स्ट एक चीज़ और, अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी है दोस्तों, आप सभी के लिए ही कर रहा हूँ, और न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, तो आप सभी के सिलेक्शन को और पक्का करने के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, वरना मुझे क्या पड़ी थी सीरीज़ को शुरू करने के लिए। मैं तो चल रहा था जैसे चल रहा था, जीके की क्लास इसीलिए बंद करी, जीके की क्लास क्यों बंद करी, बस इसीलिए ताकि आपका क्या है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपका सिलेक्शन और श्योर हो जाए, क्योंकि न्यूट्रिशन मस्ट है, न्यूट्रिशन से इजी क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कम से कम भी 8 से 10 क्वेश्चन न्यूट्रिशन के आते हैं दोस्तों। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसकी ये आप थ्योरी मान लो चाहे इसके ये क्वेश्चन मान लो, यही है, इससे बाहर कुछ नहीं आना, वादा रहा दोस्तों। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर आठ है दोस्तों कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B1, बताओ विटामिन B1 के बारे में बताओ, थोड़ा क्या कहते हैं विटामिन B1 को, बताओ दोस्तों विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है, तो बता दो कोई, तो थायमिन, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी क्या कोज करती है, इसकी डेफिशिएंसी क्या कोज करती है, बताओ B1 की डेफिशिएंसी क्या कोज करती है, बताओ दोस्तों ये कोज क्या करती है, बेरी बेरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेरी बेरी कोज करती है, B1 को थायमिन कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों क्या, वर्निक्स एनसीफेलोपैथी भी कहते हैं,
वर्निक्स एनसीफेलोपैथी भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं दोस्तों, क्या होता है और विटामिन बी वन, विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, थायमिन इसे कहते हैं, और वर्निक्स एनसीफेलोपैथी ये कोज करता है दोस्तों। ये था विटामिन बी वन के बारे में। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा दोस्तों, बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा। तो आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट के अंदर, आयरन फोलिक एसिड की जो टेबलेट होती है उसमें आयरन कितना होता है, आयरन कितना होता है दोस्तों बताएं, कौन बताएगा कि आयरन कितना होता है, बताओ दोस्तों। आयरन फोलिक एसिड के अंदर आयरन कितना होता है, तो आयरन होता है 100 mg, और फोलिक एसिड कितना होता है कौन बताएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फोलिक एसिड कितना होता है दोस्तों, तो फोलिक एसिड होता है 500 मिलीग्राम, और कितने दिन तक देते हैं, 100 डेज, 100 दिन तक देते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब मुझे बताएं आप क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, बताएं जल्दी सी क्वेश्चन तो बताओ सर, बिल्कुल क्वेश्चन तो बताया नहीं, तो क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हाईएस्ट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी किसमें पाया जाता है, बताओ किसी को पता हो तो, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी किसमें पाया जाता है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, दोस्तों रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी क्लास अच्छी से अच्छी क्लास मिलेगी दोस्तों। ये तो 0 लेवल की क्लास है जो अभी चल रही है, और बेहतरीन कंटेंट आपको चाहिए दोस्तों तो क्या करोगे, मुझे मोटिवेट करो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, तभी तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और फिर देखो क्या धांसू और बेहतरीन क्लास आती है आपके लिए। तो बताए दोस्तों किसमें, तो सबसे ज़्यादा होता है किसमें दोस्तों, इंडियन इंडियन गोसबेरी का नाम सुना होगा आपने, इंडियन गोसबेरी या आंवला जिसे कहते हैं, क्या आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है बता दो, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, स्कर्वी देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, और चलो और देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई से, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, बताओ बताओ दोस्तों कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो होती है कौन सी, हिमोलाइटिक डिजीज़, हिमोलाइटिक डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी से, विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, बताओ कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे दोस्तों, कौन सी, तो वो होती है दोस्तों हेमरेजिक डिजीज़, कैसी डिजीज़, हेमरेजिक डिजीज़,
हेमरेजिक डिजीज होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ बताओ, जल्दी सी राइट आंसर बता दे दोस्तों। विटामिन ए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरे पेन, लाल पेन, लीले पेन, सबसे लगा लो भाई काले पेन से, ये क्या है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आज तबीयत ज़्यादा ख़राब है थोड़ी, इसलिए क्या है प्रॉपर फ्लो नहीं आ पा रहा है, तबीयत थोड़ी डाउन है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलें, फिर भी मैं मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा हमेशा की वीडियो में रहता है दोस्तों। तो विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम क्या होगा तो दोस्तों, कब लॉन्च हुआ 1970 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, नॉर्मल रेंज बताएं फ्लोरीन की, नॉर्मल रेंज किसकी, फ्लोरीन की नॉर्मल रेंज क्या होगी बताएं दोस्तों। नॉर्मल रेंज क्या होगी फ्लोरीन की तो वो होगी दोस्तों कितनी, किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, तो वो होगी 0.8 ppm पार्ट्स पर मिलियन, या इसको बोल सकते हैं mg पर लीटर। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ी तबीयत सही नहीं होने की वजह से फ्लो कम आ रहा है दोस्तों, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है, फ्लैग साइन बताओ दोस्तों, फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, आप सभी के लिए सेशन आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, आप सभी रिएक्ट ज़रूर करें, रेस्पॉन्स ज़रूर दें वीडियो पे, जितना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा दोस्तों उतना ही बेहतरीन सेशन जाएगा, बिल्कुल दोस्तों जाएगा। फ्लैग साइन बताएं दोस्तों, फ्लैग साइन बता दो दोस्तों जल्दी सी, किसमें देखने को मिलता है तो ये पाया जाता है दोस्तों किसमें, क्वासियोर कोर में देखने को मिलता है फ्लैग साइन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने कल सुबह की वीडियो नहीं देखी हो, तो ज़रूर ज़रूर देख लें सेशन पहला, और नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लें दोस्तों। और दोपहर को जो सेशन हुआ था दोस्तों, मैंने तो उसको मिनी सेशन बोला था, 50 क्वेश्चन करवाए थे, और दोस्तों उसके अंदर टेक्निकल एरर की वजह से क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 43 क्या हो गए थे, मिस हो गए थे। तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, क्लास तो पूरी की पूरी अपलोड हुई थी, लेकिन कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से क्लास के कुछ क्वेश्चन उड़ जाते हैं, इससे पहले भी 2 बार उड़ चुके हैं, तो सॉरी दोस्तों कल उसके लिए। बट वो सेशन बहुत शानदार था, मैंने उसको मिनी सेशन नाम दिया था, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर ये मिनी नहीं, ये तो सुपर ही सेशन है, बहुत ही शानदार लगा था बच्चों को, क्या सुपर ही सेशन है, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखे, सिलेक्शन उसी का होगा जो कंटिन्यूटी बना के रखेगा, कंटिन्यू तैयारी करेगा, कंटिन्यू क्वेश्चन सेशंस लेगा, कंटिन्यू थ्योरी क्लासेस देखेगा। 2 दिनों से थ्योरी क्लास नहीं हो पा रही दोस्तों,
एक दिन टेक्निकल एरर की वजह से नहीं हो पाई, और कल दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से नहीं हो पाई। और दोस्तों देखते हैं शाम तक अगर तबीयत ठीक हो जाती है तो आज शाम को अपन देखेंगे दोस्तों क्या पीडिया का टॉपिक देखेंगे। पीडिया का भी कौन सा टॉपिक देखेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग और कंगारू मदर केयर KMC का। बहुत ही शानदार टॉपिक होगा दोस्तों और बहुत ही शानदार सेशन होगा। उम्मीद है दोस्तों ये सेशन हो जाए, क्योंकि तबीयत अगर ठीक नहीं रही दोस्तों तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। चलो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह क्लास लेने के लिए। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, श्योर होगा, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ दोस्तों। बोलो राधे राधे, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। चलो दोस्तों मिलते हैं दोपहर के शानदार सेशन में।